गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ दानिश अल्फाज और बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि बीच में चीज़ें बहुत गड़बड़ आ गई थी और ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गई है व्लॉग करने की। बट ठीक है, मैं वापस से आया हूँ और वापस से हम धमाका करने वाले हैं। मैं एक सरप्राइज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो, मैं हूँ चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ है, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग रहते हैं। और तो गाइज, आप लोग एक नया दानिश देखने वाले हैं पंजाब इंडस्ट्री में, क्योंकि अब मैं पंजाब इंडस्ट्री के साथ जुड़ के कुछ गाने कर रहा हूँ। अलीना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो कि ऑलरेडी पंजाब इंडस्ट्री में काम कर रही है। शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। तो मैं आया हूँ अलीना के घर। हम लोग जाने वाले हैं मीटिंग के लिए क्योंकि हमारा एक गाने की प्लानिंग चल रही है और ये मैडम अभी तक देखो रेडी हो रही है। ये है अलीना मैम। मैम हेलो सर, क्या हाल है आपके? बस आप आए हमारे शहर में एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम ग्लैड यू आर हियर। हम लोग बहुत चड्डी बड्डी टाइप होते हैं ना, वैसे दोस्त हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं और काफी पुराने भी दोस्त हैं। बट काफी टाइम से हम मिले नहीं थे, एक डेढ़ साल से हम मिले नहीं थे। तो आज हम मिल रहे हैं पंजाब में और ये ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रही है जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। और बाकी इसके जो टीम है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे पंजाब इंडस्ट्री में, वो सबके बड़े नाम हैं। तो मैं उन सबसे मिला भी था। रात की बात मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, रात की बात मैं बताऊंगा भी और कुछ क्लिप्स मैं बीच में ऐड भी करूंगा जो रात की हैं। हम लोगों ने इतना धमाकेदार मजा किया और खाली पार्टी नहीं की हम लोगों ने बहुत प्रोडक्टिव काम भी किया है। वो इतना प्रोडक्टिव था कि आप लोग तो सुन रहे हो, ये मैं हूँ, ये अलीना है और हमारी पार्टी हो रही है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। हमने रात को ये गाना बना दिया और जस्सी बाजी हैं, जस्सी लोका जो कि पंजाब इंडस्ट्री के बहुत जाने माने राइटर हैं और उनकी टीम है। हम लोगों ने बैठ के पूरी रात में कुछ गाना मैंने लिखा, कुछ उन्होंने लिखा, फिर म्यूजिक बनाया, कंपोज किया, पूरी रात में वो गाना बनाया भी। आज हम उसका प्लानिंग कर रहे हैं शूट का, कल शूट भी कर रहे हैं। ये हमारी लिफ्ट है, ये हम हैं और हमारी पार्टी हो रही है, वो सारा काम है और बहुत मजा आने वाला है इस गाने पे। सब लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आई होप ये ब्लॉग गाने के बाद ही आएगा, तो आप सुन चुके होंगे, तो कैसा लगा पहले बता भी दो आप कमेंट में। तो हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी में है। और सेकंड चीज, थैंक्स टू मुस्कान। मतलब ऐसे होते हैं दोस्त, ऐसे होते हैं आर्टिस्ट जिनको ट्रस्ट होता है सामने वाले पे, अपने दोस्त के काम पे। अब उसको पता है मैं कोई ख़राब काम या ऐसा वैसा काम तो नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला है कि मुस्कान मैं टिकट भेज रहा हूँ, एक गाना शूट कर रहे हैं और आपको आना पड़ेगा, आप कहीं पर भी हो तो आ सकती हो। तो उसने बोला बिल्कुल आ सकती हो। वो अजमेर गई थी घूमने के लिए, मतलब दरगाह पे। बट उसने क्या बोला, शायद उसकी भी कोई मन्नत पूरी हुई होगी तो उसने सीधा बोला कि आप मुझे बताओ कब आना है। मैंने उसी टाइम टिकट भेजा और सुबह सुबह वो रात भर सोई भी नहीं और निकल गई, अभी वो फ्लाइट में। गाइस, हम लोग स्टूडियो आ चुके हैं, तो अभी मैं मिलाना चाहता हूँ कुछ लोगों से। तो ये हमारे गौरव पाजी। हाय पाजी, क्या मचाया रात हम। ये दीक्षित पाजी हमारे, ये रात को घर पहुंचे सुबह कितने बजे? 5 बजे। सुबह 5 बजे पहुंचे, उनकी आवाज भी बैठ गई है और पहुंचते आज करेंगे हम पहाड़ी। स्टूडियो दिखा देता हूँ मैं आपको जहाँ हम लोग काम कर रहे थे रात। हे व्हाट्सअप, सो दिस इज आवर स्टूडियो। व्हाट्सअप पाजी, क्या हाल है? तो ये पाजी की हालत ऐसी हो गई है, पूरी रात काम करी, गन सर पे लगा ली। जैसा कि गाइस, कुछ अपने काम के बीच में कुछ धार्मिक काम भी होने चाहिए, तो हम लोग चंडीगढ़ के दरगाह शरीफ पे आए हैं और बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुकून है यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे हमारी सारी मुश्किलात के लिए, हमारे सारे दुख दर्द के लिए, मेरे नहीं हम सब के, और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। ये हिना की मम्मी है, जो मेरी मम्मी जैसी दिख रही है, बिल्कुल जैसा आप लोगों ने देखा है। अभी हम अंदर जा रहे हैं दरगाह के।
रहा है। मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख है कि मैं सर पे टोपी नहीं ओढ़ पाया क्योंकि मेरे पास ही नहीं, अचानक से हमें आना पड़ा और बाहर से लेना भी भूल गए। अंदर आके याद आया कि अरे शिट, और ये कैप भी बहुत छोटा पड़ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अल्लाह माफ़ करे मुझे। बाकी वो सुकून है यहाँ पे। गाइस हम लोग आए थे दरगाह एक जिन को भगाने के लिए, फाइनली वो जिन भाग चुका है, थोड़ा सा दूर हमसे खड़ा है वो रहा वो जिन। ये देखो हरकत है इसकी। गाइस हम लोग पता क्या खा रहे हैं, ये मीठी खील बोलते हैं बचपन में हम इनको, क्या बोलते हैं मीठी खील ना, इसी प्रशांत मीठा पता पर खील नहीं नहीं हम, मैं जब छोटा था मीठी खील बोलते थे, मैंने आज बचपन के बाद आज बड़े होके ये खाई है, मतलब अभी भी बचपना ही है फिर भी खाई रहे हैं। और ले लो मम्मी खिला रही है सब, 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। ये ओके, ये देखो फाइनली कौन आया है चंडीगढ़ में, मुंबई दी कुड़ी। ये मेरा दानिश है, ये मैं हूँ, ये हमारी पारी हो रही है, ये हमारी पारी हो रही है, देखो ये हमारी पारी हो रही है। ये देखो आरुष भी है। तो गाइज मुस्कान की, जैसा मैं बता रहा था कि फ्लाइट में थी, वो आ चुकी है और खुद ही वो प्लेन उड़ा भी रही थी। हाँ, सुना है मैंने ऐसा। तो मैं गाइड कर रही थी उनको चलाने के लिए। सामने से जस्सी पाजी ऐसे देख रहे हैं हमें। तो ये जो सामने फोन में बिजी हैं, ये हमारे जस्सी पाजी हैं, ये तब भी नहीं देखेंगे। तो अभी शूज सिलेक्शन टाइम है, आधी रात हो रही है, सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट है। तो ये हमारे सारे पर्सनल शूज भाजी, क्या बात है। मैं तो इन्हीं में से सेलेक्ट करने वाला हूँ, मैं कोई किसी डिजाइनर की नहीं पहनूंगा जब ऑलरेडी यहाँ पे। ओ फिश मतलब ये मेरे लिए सबसे खास जगह है क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ शूज का कलेक्शन रखना, मैं भी घर पे बहुत ज्यादा रखता हूँ। गुड शूज टेक यू गुड प्लेसेस, राइट भाजी, बहुत सही बात बोली आपने, ये मेरे थॉट्स हैं और हमने ये शूज सेलेक्ट किए हैं, ये चार शूज सेलेक्ट किए हैं अभी, और पाजी भी सुबह लेके आने वाले हैं 2-3। तो लेट्स सी कौन कौन से मैं पहनूंगा। हाय आरुही, कैसे हो आप, कितनी क्यूट है ये। हाय बोल दो, हाय ऐसे हाथ से हाथ हिला के हाय बोलो जोर से, हाय। अच्छा पहले ये बताओ, पापा अच्छे हैं कि मम्मी अच्छी है। देख लो यार, अभी देखो झगड़ा होगा। तो काफी लंबे डिस्कशन के बाद हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं रेस्ट के लिए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कॉल है। चंडीगढ़ में भी तुमने घर ले लिया होगा, माशाल्लाह। होटल जा रहे, कहीं भी जाओ घर समझ लेते हैं। ये मेरा चंडीगढ़ यहाँ पारी हो रही है। बाय बाय, चलो बाजी। गुड मॉर्निंग गाइज, और हम लोग शूट लोकेशन पर निकल चुके हैं, और ये देखो मैडम, इनको 20 कॉल किए होंगे तब जाके ये उठी है। क्या करूं, लेकिन उठाया ना। तुम इतनी सुंदर हो, मैं क्या करूं अब, मैं वो क्या बोलूं बताओ। नहीं ये गाना नहीं है, अभी गाना है पारी हो रही है। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं शूट लोकेशन पर। तो आप, ये मिली है हमारे डायरेक्टर साहब से, कैसे हो आप पाजी? बड़ी टेंशन में सुबह से क्योंकि एक दिन में सब कुछ प्लान करना था, तो अब देखते हैं शूट कैसा निकलेगा। क्या म्यूजिक बनाया, कमाल कर दिया भाई। ऐसा बहुत कम होता होगा कि एक दिन पहले ऑडियो बना, नेक्स्ट डे वीडियो शूट हुआ और उसके नेक्स्ट डे रिलीज। तो पाजी का कॉन्फिडेंट देखो, तुसी संडे आ जाना सवेरे 10 बजे। ये बीच में जो बैठे ये हीरो है गाने के, ये मचाने वाले हैं, ये पार्टी करने वाले हैं। हम भी रेडी हैं, बस शूट फर्स्ट टेक लेने वाले हैं, बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी, और ये पहली बार मैंने इस टाइप का कुछ पहना है, डोंट जज। अरे
तो गाइज मैं आपको हमारे आज के मॉडल से, हमारी एक्ट्रेस से मिलाना चाहूंगा जो इस गाने की एक्ट्रेस है. कैसे हो आप? मैं गुड, आप बताओ? हम भी अच्छे हैं, चंगे हैं. अच्छा, ये जो पार्टी हो रही है इसको अगर हम पंजाबी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पार्टी हो रही है. सेकंड सॉन्ग जो इसका पंजाबी वर्जन आएगा वो ऐसे ही आएगा. बिल्कुल. तो हम लोग का पहला गाना है साथ में, फर्स्ट टाइम चलाया था और बहुत मेहनत हम सब ने की है. दो हीरोइंस, देखो एक एक वो खड़ी है, देखो सामने कैसे चार्ज कर रही है अपना फोन. ए मैडम, सो गाइज आज पूरा दिन हम लोगों ने शूट किया है एंड वी आर वेरी टायर्ड. उसके बाद अभी हमारा शायद एक लास्ट सीन बाकी है और वो लास्ट सीन के लिए हम लोग आए हैं. सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं. Hey, what's up? Hello guys. तो गाइस सब कुछ खत्म हो गया है और एक वर्ड सुनने के लिए पूरी टीम बेताब है. वो वर्ड क्या है पाजी बोलेंगे सिर्फ? बैकअप. तो बेसिकली बड़ा मजा आ रहा है और हम लोग कंटिन्यू 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं बिना ठीक से सोए, है ना? और सबका एक बड़ा योगदान है. ये ब्लॉग भी मुझे लग रहा है बड़ा लंबा जा रहा है. हाँ. तो यहाँ पे बड़े कामों में अक्सर बड़ी बड़ी चीजें चली जाती है. हाँ, सबकी मेहनत बहुत ज्यादा है. अब यहाँ पार्टी हो चुकी है. पार्टी हो चुकी है. पार्टी करते रहो, मचाते रहो, मचाते रहो, मचाते रहो.